डायमंड स्टोर, पिंक डायमंड स्टोर, पिंक डायमंड स्टोर। हाँ भाई, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि इंडिया सर्वर के अंदर बहुत ज्यादा टाइम से नहीं आ रहे है, एंड हमारे इंडिया सर्वर की ऑडियंस वो तो यार इस इवेंट के लिए पागल है। इसी वजह से यार मुझे डेली 50-60 कमेंट तो यही आते हैं कि भाई हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा, बता दो बता दो। तो फाइनली तो गाइस देखो, मैं आप लोगों के लिए पिंक डायमंड स्टोर का ये वीडियो लेके आ चुका हूँ, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट कब आने वाला है, और जब हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आएगा तो उसके अंदर से हम लोगों को क्या कुछ आइटम्स मिलेंगे। देन तो गाइस फिर बस इतना ही नहीं, आज की वीडियो के अंदर तो और भी बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक नए वेब इवेंट के बारे बताऊंगा, और तो और गाइस हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द कुछ फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। तो कौन से फ्री रिवॉर्ड है, किस इवेंट के थ्रू हम लोगों को मिलेंगे, ये सब भी मैं आप लोगों को आज ही की वीडियो बता दूंगा। एंड इसी के साथ साथ गाइस अभी हम लोगों को बहुत सारे गेम के अंदर ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए तो गाइस एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलो तो यार अभी हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फ्री फायर गेम के ग्लिचेस के बारे में। हाँ भाई, इन ग्लिचेस के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, वरना इससे आप लोगों का आईडी भी बैन हो सकता है। हाँ गाइस देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर मैक्स में काफी सारे हम लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम है यूर क्यू नंबर वाला प्रॉब्लम। हाँ भाई, इसमें ऐसा होता है कि यार हमारे गेम ओपन होने में काफी टाइम लग जाता है, एंड यार काफी सारे बंदों का तो इसमें गेम ओपन भी नहीं होता है। तो इसलिए गाइस वो लोग क्या करते हैं कि वीपीएन लगा के गेम को ओपन करने का ट्राई करते हैं। हाँ भाई, आज भी हमारे गेम के अंदर ये प्रॉब्लम हो रखी थी, तो मैंने यार काफी सारे यूट्यूब वीडियो देखे तो उसमें सभी लोग ये बोल रहे थे कि वीपीएन लगा के आप लोग गेम ओपन करने का ट्राई करो, गेम ओपन हो जाएगा। तो इसलिए भाई देखो, मैं आज आप लोगों को ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं, अभी के टाइम पे यार गरीना गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, जिस वजह से हम लोगों को ग्लिचेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। यार कभी ऐसा ग्लिच वापस से भी हमारे गेम के अंदर आता है तो आप लोग फिर भी वीपीएन लगा के गेम को ओपन मत करना, क्योंकि भाई वीपीएन लगा के अगर आप लोग गेम को ओपन करोगे तो इससे आप लोगों का आईडी भी बैन हो सकता है। एंड भाई देखो, इससे आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपनी आईडी में बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखते हो, और अगर पैसा नहीं भी लगाते हो तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एक आईडी से खेलने में, लेवल बढ़ाने में। और यार ऐसे प्रॉब्लम में वीपीएन लगा के अगर आईडी बैन हो जाए फिर तो बहुत ही दुख होता है। तो ऑलराइट, तो गाइस देखो अभी जो भी मुझे आप लोगों को ग्लिचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले वेब इवेंट के बारे में। यहाँ तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी जब मैं आज के वीडियो के लिए अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स के लीक्स इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे यार हमारे गेम की फाइल के अंदर कुछ इस तरीके का एक पोस्टर मिला है। एंड इस पोस्टर के अकॉर्डिंग गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 21 अगस्त के दिन ट्रेंड सेटलर नाम का एक इवेंट देखने को मिलेगा, जिस इवेंट के अंदर ग्लू वॉल आएगी, बैकपैक आएगा, बंडल आएगा, फिस्ट की स्किन आएगी, एंड और भी बहुत सारे आइटम्स आने वाले हैं। तो इसलिए गाइस अगर मैं आप लोगों को इस ट्रेंड सेटलर वेब इवेंट के रिगार्डिंग अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई ये इवेंट सच में बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस वेब इवेंट के अंदर आने वाले सारे के सारे आइटम्स का रिव्यू भी करवा देता हूँ। जी हाँ, तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जितने भी आइटम की पीएनजी गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो वही आइटम है जो कि हमारे गेम के अंदर ट्रेंड सेटर इवेंट के अंदर आने वाले हैं। हाँ भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो फीस्ट अवेलेबल है वो बहुत तगड़ी लग रही है, बाकी बंडल का तो यार कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत तगड़ा बंडल है। फिर तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक पैट की स्किन देखने को मिल रही है, एंड देन यहाँ पर एक बैकपैक भी है और एक ग्लू वॉल भी अवेलेबल है। जी हाँ गाइस, ये पांचों के पांचों आइटम जो कि हमारे गेम के अंदर ट्रेंड सेटर इवेंट के अंदर आने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। बाकी गाइस अभी आप लोग भी मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले ट्रेंड सेटर इवेंट का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। तो ऑलराइट, तो गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक बहुत ही कमाल के नए वेब इवेंट के बारे में बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले एक बहुत ही कमाल के फ्री इवेंट के बारे में। यहाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो पोस्टर गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मुझे तो यार ये वाला पोस्टर भी हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला। और यार इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में ट्रेवल टू विन नाम का एक इवेंट देखने को मिलेगा, जिस इवेंट के थ्रू हम लोगों को सबसे पहले तो एक क्रेट फ्री में मिलने वाली है, जिस क्रेट के थ्रू हम लोगों को स्कार की स्किन और MP40 की स्किन मिलेगी। साथ ही साथ गाइस हम लोगों को इसी इवेंट के अंदर से एक सौ बोर्ड मिलेगा, एंड अगर आप लोगों के पास वो सौ बोर्ड पहले से होगा तो आप लोग उसके बदले गोल्ड रॉयल वाउचर भी कलेक्ट कर पाओगे। ओवरऑल तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले छोटे से एक फ्री इवेंट का भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। भाई फ्री इवेंट है यार, इसका इन्फॉर्मेशन तो सबको पसंद आना ही चाहिए। अब खैर, तो गाइस देखो अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले ऑलरेडी काफी सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स के बारे में बता चुका हूं, इसलिए तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आज के इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ गाइस जो भी बंदा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि भाई आप लोगों के पास हमारे चैनल पे आने वाले
वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली आया करेंगे। तो बाकी तो गाइस क्योंकि अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसीलिए गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले फ्री फायर के एक नए कोलैबोरेशन के बारे में बताता हूँ। हाँ तो गाइस देखो, हमारे गेम के अंदर फ्री फायर का जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन आने वाला है वो कोलैबोरेशन है फ्री फायर एक्स डायमंड स्लेयर का कोलैबोरेशन। एंड यार मैं आप लोगों को बताऊं तो यार नया कोलैबोरेशन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट मंथ सितंबर की 5 तारीख से स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई नेक्स्ट मंथ सितंबर की 5 तारीख को हमारे गेम के अंदर से रैम्पेज इवेंट रिमूव होने वाला है। तो उसके बाद ही हम लोगों को हमारे गेम के अंदर फ्री फायर एक्स डायमंड स्लेयर कोलैबोरेशन का इवेंट देखने को मिलेगा। हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में बहुत सारे आइटम्स की पीएनजी देखो, मैं आपको बताऊं तो यार यहाँ पर 4 बंडल अवेलेबल है, साथ ही साथ यार यहाँ पर 3 इमोट और एक एनिमेशन भी है। फिर गाइस यहाँ पर एक फेस प्रिंट भी अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं तो यार ये जो सारे के सारे आइटम्स स्क्रीन में अवेलेबल है ये फ्री फायर एक्स डायमंड स्लेयर कोलैबोरेशन के आइटम है। एंड हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये सारे के सारे आइटम एक वेब इवेंट में देखने को मिलेंगे, जो वेब इवेंट हमारे गेम के अंदर 5 सितंबर को आएगा। तो भाई देख लो यार, मैंने आज तुम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले 5 सितंबर के इवेंट के बारे में भी बता दिया है। यार इतना दूर दूर का इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो खैर तो गाइज अभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और गाइज अभी हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो की है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला पिंक डायमंड स्टोर इवेंट। जी हाँ, तो गाइज देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो यार पिंक डायमंड स्टोर इवेंट है सच में इंडिया सर्वर के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट है। हाँ भाई ये इवेंट इतना रेयर इसलिए है क्योंकि ये इवेंट हमारे गेम के अंदर पिछले साल अगस्त में आया था, देन अभी तक हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये इवेंट देखने को नहीं मिल रखा है। शायद इसी वजह से मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिन कमेंट्स में आप लोग बोल रहे थे कि गॉड भाई पिंक डायमंड स्टोर इवेंट कब आएगा, पिंक डायमंड स्टोर का कंफर्म डेट बता दो। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आज जब मैंने आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स पढ़े पिंक डायमंड स्टोर के लिए, तो सबसे पहले यार मैंने हमारे गेम की फाइल को चेक करा। यार हमारे गेम की फाइल के अंदर मुझे काफी सारे आइटम्स की पीएनजी मिली, काफी सारे वेब इवेंट की पीएनजी मिली, बट भाई पिंक डायमंड स्टोर की एक भी पीएनजी हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और यार ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि गाइस हमारे गेम के अंदर बस उसी इवेंट की पीएनजी होती है जो इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है। बट गाइस क्योंकि अभी हमारे गेम की फाइल के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट की कोई भी पीएनजी नहीं है, यार मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अभी इस मंथ हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट देखने को मिलेगा। हाँ भाई मुझे पता है तुम लोग सोच रहे थे कि यार मैं तुम्हें कोई कंफर्म डेट बताऊंगा, बट यार मैं तुम्हें कंफर्म डेट तो तब बताऊंगा जब हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आने वाला होगा। अब यार इस मंथ ये इवेंट आने ही नहीं वाला, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। तो खैर गाइस आप लोग चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे अगर मुझे पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का कोई भी डिटेल मिला, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला, तो मैं आप लोगों को सब कुछ वीडियो बना के बता दूंगा। तो फिलहाल गाइस क्योंकि मैं तुम लोगों को हमेशा ही रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो मैंने आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। तो खैर गाइस क्योंकि आज की वीडियो के अंदर तो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस अभी हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।